फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फिर से एक बार कार फ्लिप फ़ोन लेकर आया हूँ। पिछले वीडियो में जो मैंने कार फ्लिप फ़ोन आपको दिखाया था येलो कलर का, वो दरअसल मेरे पास से गुम हो गया है फ्रेंड। तो ये कार फ़ोन मुझे बेहद ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने दोबारा इसे ऑर्डर किया है। लेकिन इस टाइम मैंने येलो के बजाय ब्लू कलर ऑर्डर किया है, क्योंकि इस टाइम मैं कलर चेंज करना चाहता था। तो देखिए, इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है मैंने, और ये इसका पैकेज देख सकते हैं कितना छोटा सा है। और ये रेड कलर का सामने देख सकते हैं जो पैकेज है, यहाँ पर ब्रांड लिखा हुआ है स्नैक्सियन। वैसे इसका नाम पहले कभी मैंने सुना नहीं था, तो ये बिल्कुल चाइना ही होगा। चलिए देखते हैं इस पैकेज के अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले पीछे कर लेते हैं हम। यहाँ पर सामने कार के मीटर का फ़ोटो दिया गया है, और ऊपर इसका ब्रांड लिखा हुआ है स्नैक्सियन, और इसके नीचे कार के मोबाइल का कलर्स दिया गया है। ये सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर नीचे फीचर्स लिखे हुए हैं इसके, ये जो भी फीचर्स है, इसकी कैमरा क्वालिटी वगैरह वगैरह। और यहाँ पर साइड पे देखेंगे तो इसका EMI नंबर लिखा हुआ है। इस फ़ोन के अंदर आपको दो सिम कार्ड स्लॉट मिलेंगे, इसमें दो सिम कार्ड सपोर्ट करेगा, लेकिन इसमें जियो सिम नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि ये 2G फ़ोन है। और इस साइड में ये ब्लू कलर मैंने ऑर्डर किया है, यहाँ पर टिक लगा हुआ है, और ये सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। और साइड पे यहाँ पे सील लगा हुआ है, देख सकते हैं इस साइड, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मेड इन इंडिया। तो ये चाइना प्रोडक्ट नहीं है, ये बिल्कुल मेड इन इंडिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखते हैं इस पैकेज के अंदर और क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। चलिए मैं इसे चाकू से काट देता हूँ। तो दोस्तों, ये फ़ोन मैंने 1105 रुपये में अमेज़न से ख़रीदा है, लेकिन पिछले टाइम जो मैंने ख़रीदा था येलो कलर का कार फ़ोन, वो मैंने 999 रुपये में ख़रीदा था, और ये मुझे 1105 रुपये का मिला है। तो ये पैकेज मैंने खोल लिया है, और मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं ये सील रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों, मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, इस फ़ोन पर जियो सिम कार्ड सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जियो सिम कार्ड सिर्फ 4G फ़ोन पर सपोर्ट करता है, और बाकी इस फ़ोन पर सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट इसे इनबॉक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये पॉलिथीन के अंदर ब्लू कलर का कार फ्लिप फ़ोन बिल्कुल प्यारा सा है। देख सकते हैं इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल नया सा है, ये मुझे बेहद ज़्यादा पसंद है। तो इसके पीछे साइड देख सकते हैं, और इसका साइड में वॉल्यूम बटन है, इस साइड भी वॉल्यूम बटन है, और ये दोनों जो है 100 पीस है, इससे कुछ नहीं होगा। और ये सामने हेडलाइट्स ये जलते हैं दोस्तों, और इसके जो साइड में जो कार के ग्लासेस हैं, उसमें आपको फ़ोन नंबर टाइम वगैरह दिखाई देंगे। और इसके साथ मुझे मिला है एक बैटरी, देख सकते हैं बैटरी, तो ये कितना एमएच के हैं देखते हैं। ये रेड कलर की बैटरी, छोटा सा, तो इसमें कितना एमएच का बैटरी है इसमें मेंशन नहीं किए गए हैं, बिल्कुल भी नहीं दिखा कि कितनी एमएच का बैटरी है। वैसे इस पैकेज के अंदर जो स्पंज है वो बहुत अच्छा है। तो चलिए सबसे पहले इस कार फ्लिप फोन को ओपन करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं कार फ्लिप फ़ोन मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पर इसका मॉडल लिखा हुआ है, इसका कीपैड वगैरह देख सकते हैं आप, ये इसके फंक्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये मीडिया प्लेयर, कैमरा, और यहाँ पर मैसेज। तो चलिए हम इसे आपको ऑन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले बैटरी का जो कवर है उसे ओपन कर लेते हैं, उसके बाद ये हमें मिला है छोटा सा बैटरी, तो हम इसे इनपुट कर लेते हैं। तो आपको बैटरी लगाने तो आता ही होगा, तो हम इसे फटाफट लगा देते हैं, और उसके बाद कवर को क्लोज कर देते हैं, फिर इसे ऑन करके देखते हैं। ये हुआ पावर ऑन, यहाँ पर इसका ब्रांड लिखा हुआ आ रहा है स्नैक्सियन, और ब्रांड के साथ में कार की चालू होने की आवाज़ भी आ रही है। यहाँ पर देखिए इंसर्ट सिम 2 बार लिखा हुआ है, डबल सिम इसमें सपोर्ट करेगा,
और यहाँ पर इसका बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, और इसकी टाइमिंग जो है सेट नहीं हुई है। और ये रहा मेन मेन्यू, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजिंग, कॉल लॉक्स, सेटिंग्स, मल्टीमीडिया, उसके बाद फाइल मैनेजर, गेम्स, प्रोफाइल्स, एप्लीकेशंस, ये सारे फंक्शन दिए गए हैं। चलिए हम सेटिंग्स को ओपन करके देखते हैं। फोन सेटिंग्स, सिक्योरिटी, फोन सेटिंग्स ओपन करते हैं। डेट एंड टाइम, तो फिलहाल मुझे टाइम मालूम नहीं है। मल्टीमीडिया, फाइल मैनेजर, इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट नहीं किया है मैंने, इसलिए ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका जो फ्लिप क्लोज करने के बाद देख सकते हैं, इसके डिस्प्ले में टाइम शो हो रहा है। बिल्कुल प्यारा सा सेट है दोस्तों। तो ये कार फ्लिप फोन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।